हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम सब करने जा रहे हैं वो हम क्लास 10 से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इसके बारे में, और इसका हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो इसका सुपर फास्ट रिवीजन करने से पहले इस चैप्टर की कुछ खासियत बता दूं मैं आपको, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपका जो टोटल आपका क्वेश्चन आने हैं वो आपका आने हैं 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के आ जाएंगे। उन 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन के अंदर वो क्या होगा आपका, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो मोस्ट प्रोबली आपका एक्सरसाइज है, आपका वन जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.3 से रिलेटेड होगा। जो आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे वो आपका एक्सरसाइज 1.2 जो आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है उससे होगा। तो हम इन सभी क्वेश्चन के बारे में और इन टॉपिक्स के बारे में एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के बारे में जानेंगे। साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बात क्या है, आपको जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका ऑलरेडी सीबीएसई के सिलेबस से है, अपडेटेड सिलेबस से वो डिलीटेड है। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 1.2 और 1.3 के बारे में करेंगे। तो जानते हैं, चलिए आइए एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट इट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने एक नंबर लिया 180 नंबर लिया, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 180 के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर तो सबसे पहले ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे ये किससे आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है आपका क्या आ जाएगा आपका 45। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर के पीछे आपका क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन इस नंबर के पीछे क्या आपका 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास यही होता है, नंबर को जोड़ते हैं, नंबर की सभी डिजिट को ऐड किया, ऐड करने के बाद अगर डिजिट आपका 3 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी आपका 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे आपका 4 और 5 क्या हुआ आपका 9 है, 4 और 5 9 है, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर अगर हम देखते हैं 180 के क्या हुए आपका, 180 के प्राइम फैक्टर हुए आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 5। और दूसरी तरह से इसको लिखना चाहें आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में प्राइम फैक्टर को, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ये क्या आपका 180 के प्राइम फैक्टर। सो अगर आपका अर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है आपका यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे 180 के प्राइम फैक्टर हुए आपका 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अब अगर आप किसी भी और नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो आपका इस फॉर्म के अंदर नहीं आ सकते। तो ये क्या है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस है। तो ये आपका यूनिक होंगे हमेशा प्राइम फैक्टर। तो इसके बारे में हम जान पाए यहाँ तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद में इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक है वो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड है। वो क्या आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इसके अंदर क्या आपका, सबसे पहले हम अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के अंदर हमारा क्या जाता है, एलसीएम के अंदर होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के अंदर क्या होता है हमारा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरी चीज है हमारे पास एचसीएफ, एचसीएफ क्या हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन नंबरों के बारे में जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअल में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल दो छोटे छोटे नंबर लेते हैं हम, जैसे हमने लिया एक, हमने 8 लिया और एक हमने लिया 12 एंड 8। अब एक ऐसे नंबर के बारे में सोचिए जो आपका 8 एंड 12, जिससे आपका दोनों नंबर क्या हो जाएं आपका डिवाइड हो जाएं, दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, एक ऐसा नंबर। तो अगर हम बात करें तो 1 है, 1 से आपका 8 और 12 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 2 से भी हो रहे हैं, फिर उसके बाद में आपका 4 से भी हो रहे हैं, लेकिन 1, 2, 4 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, कोई और नंबर तो नहीं है जिससे आपका 8 और 12 दोनों आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएं। तो इनके अंदर आपका 1, 4, 1, 2, 4 है। इसके अंदर हाईएस्ट नंबर क्या है आपका, बड़े से बड़ा नंबर क्या आपका 4 है, बड़े से नंबर बड़ा नंबर क्या आपका 4 है। तो ये आपका क्या हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है 1, 2, 4 क्या आपका इनके कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनके अंदर आपका 4 है। सो डेट एचसीएफ इज 4, एचसीएफ दोनों का क्या होगा आपका 4 हुआ। ऐसे ही अगर इसी के अंदर हम एलसीएम का कंसेप्ट जानना चाहें तो एलसीएम के अंदर देखेंगे तो हम एक नंबर के बारे में सोचेंगे जिस नंबर को हम 8 और 12 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकें।
8 और 12 से जो नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर अगर हम सोचें, जैसे 12 है, 12 तो 12 को तो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 8 के डिवाइड नहीं कर सकते 12 को, ऐसी 12 के बाद में और कोई नंबर के बारे में सोचें तो हम सीधा हमारी नज़र आ जाएगी किसके ऊपर, 24 के ऊपर। तो 24 है वो आपका 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, आपका 8 से भी हो रहा है, और 24 है वो आपका 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबरों से पूरा पूरा क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है, यहाँ से 24 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो इस तरह से दोनों नंबर आपका 24, वैसे नंबर इससे ज़्यादा भी हैं आपका, जैसे आपका 48 है, 48 से भी आपका 48 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 48 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों नंबर, ये 24 है ये आपका क्या है, लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या हुआ आपका 24। तो जब भी अब आप कभी भी एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें किन्हीं नंबरों का, तो आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है कि कोई ऐसा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, लोवेस्ट नंबर, जिससे हम उन दोनों नंबरों को अगर डिवाइड करें उस नंबर को, तो वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एचसीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये देखना है एक बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जिससे वो दोनों नंबर क्या हो जाए आपका डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से आपको इन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं और ज़्यादा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और किस तरह से बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल है सोच सकते हैं, अपनी नोटबुक और पेन लेके अपने पास बैठे और नोटबुक और पेन में आपका अपनी तरफ से कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसके लिए देता हूँ, जैसे नंबर पहले से एक आपका 190 है और एक आपका 45 है, इन दोनों नंबरों का अभी जो मैं बताऊंगा उसी मेथड से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल के देखना है और कमेंट में आपको इसका आंसर करना है, लेकिन मेथड मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल मैं लूँगा वो अलग लूँगा। तो इसके लिए जैसे हम निकाल रहे हैं, एक नंबर ले लिया हमने 180 एंड दूसरा नंबर लिया हमने 144, इन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इनके लिए क्या मेथड आपका, सबसे पहले जो भी आपका दो नंबर है या तीन नंबर हैं उनका क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 180 है, 180 का अभी हमने प्राइम फैक्टर किया था हमने, 2 से डिवाइड हुआ आपका ये क्या जाएगा 90, फिर 2 से 45, फिर आपका 3 से हो जाएगा 15, फिर 3 से हो जाएगा क्या जाएगा आपका 5। सो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 5, और इसको कह सकते हैं 2 raised to power 2 × 3 raised to power 2 × 5 raised to power 1। ये क्या हुआ आपका 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। उसके बाद अगर हम 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो रहा है आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा आपका 72, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 36, फिर 2 से डिवाइड हुआ आपका 18, फिर 2 से 9, अब 2 से नहीं हो रहा किससे हो जाएगा आपका 3 से, फिर 3 से करेंगे 1। सो अगर हम 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो क्या हुआ आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। सो 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख सकते हैं 2 × 4 × 3 × 2। अगर याद हो तो आपको फिर से इनकी यूनिकनेस आप देख सकते हैं, ये जो प्राइम फैक्टर है ये सिर्फ 180 के होंगे, ये जो प्राइम फैक्टर है ये सिर्फ 144 के होंगे, किसी और नंबर के नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर इन नंबरों का एलसीएम एंड एचसीएफ देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए हमारी बात हुई थी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके लिए ऐसा नंबर ढूंढना हमें, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिससे आपको 180 को उस नंबर से डिवाइड करें या 144 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका हमने बनाए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उनके अंदर हमने देखा है हाइएस्ट जो पावर है, हाइएस्ट पावर है, जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4 है, तो हम हाइएस्ट पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 4। उसके बाद अगर हम बात करें 3 के अंदर, यहाँ पे 3 की पावर क्या आपका 2 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट आपका दोनों के अंदर देखा हमने कंपेयर किया क्या हुआ आपका 2 ही हुई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 की पावर 2। यहाँ पे देखें अगर आगे 5 की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 5 की पावर है नहीं तो क्या मान के चल सकते हैं हम 0, अगर है नहीं तो क्या मान के चलेंगे 0, और 0 और 1 में आपका हाईएस्ट क्या हुआ 5 की पावर 1 हुआ, हाईएस्ट 5 की पावर 1 हुआ। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सेम एज इट इज हम देख लेते हैं एचसीएफ के लिए, अगर हम एचसीएफ के लिए देखें तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा आपका, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उन प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो आपका कॉमन है हाईएस्ट कॉमन की बात हुई थी, तो आपको छोटे वाली पावर देखनी है, कॉमन होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, इनमें छोटी पावर कौन सी आपका 2 है आपका, तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 2 लिखेंगे। अब 3 की पावर 2 है अगर कॉमन देखना है हमें, छोटी देखनी है, तो 2 दोनों के अंदर ही 2 है तो छोटा नंबर भी 2 हुआ और बड़ा नंबर भी 2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 3 की पावर 2। अगर यहाँ पे देखें 5 की पावर 1 है, यहाँ पे है ही नहीं तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 1 में आपका छोटा क्या हुआ 5 की पावर 0। लेकिन जैसा कि हम पहले से जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होती है आपका 1, तो हमें यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 आना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा एचसीएफ, ये क्या जाएगा एलसीएम।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही इसी तरह से इनके प्राइम फैक्टर करके आप 190 और 45 के एलसीएम और एचसीएफ है आप कमेंट जरूर करेंगे। आइए अब जानते हैं इन जो टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे वहां पे। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम बात करने वाले हैं अभी जो क्वेश्चंस आपका एक्सरसाइज आपका 1.2 एलसीएम और एचसीएफ इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका इसके अंदर कि वो सबसे पहले कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लोएस्ट जो आपका स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको अगर जानते होंगे तो आप फटाक से इसको हल कर देंगे। जैसे आपका स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, आपका 2 से शुरू होता है, क्योंकि 1 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसके आपका एक से ज्यादा आपका क्या हो फैक्टर हो, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ आपका 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या हुआ 2। तो अगर इनके हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ 2 और 4 का क्या जाएगा आपका, जैसे 2 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 ही होगा आपका 2 की पावर 1, 4 के करेंगे तो 2 इंटू में 2 यानी 2 की पावर 2। तो अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा इनके अंदर आपका 2 की पावर 1 यानी कि एचसीएफ हुआ आपका 2 और एलसीएम क्या हुआ इनका आपका 4। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम दूसरा डिस्कस करते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड पूछा भी जाता है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सैंपल पेपर में देखेंगे तो वहां पे भी आपको जरूर मिलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, एक नंबर लिया हमने 30, दूसरा नंबर लिया हमने 24, पहले इनके अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हम जैसे वो प्रोसीजर होता है वही सेम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 30 के, 30 प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हुआ, फिर आपका 5 से डिवाइड हुआ, तो 30 प्राइम फैक्टर आया आपका 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड किया आपका 12, फिर 2 से डिवाइड किया आपका 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से आपका 1, तो 24 के प्राइम फैक्टर हुए आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो आपका क्वेश्चन है आपका प्राइम फैक्टर से रिलेटेड भी आ सकता है, प्राइम फैक्टर कीजिए ए वन मार्क्स में पूछ सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह से बनाता है सीबीएसई बोर्ड में आपको कहेगा कि जो आपका 30 है वो आपका 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी, और 24 है आपका किसके बराबर 2 की पावर डी एंड 3 की पावर बी, इस तरह से है। तो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा कि हमें वैल्यू बताइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपको ये पता है ये सारी चीज़ें, अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 30 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 24 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से फिर उसके बाद में इनके जो प्राइम फैक्टर की जो आपके कंपोनेंट होंगे यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट होंगे वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 2 की पावर ए है, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपका 1 हुई, बी की वैल्यू भी आपका 1 हुई, और सी की वैल्यू भी क्या हुई 1, लेकिन डी की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 3 हुई, अगेन बी है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, तो सेम वैल्यू आई हमारा, तो इसको हम ऐड कर देंगे 1 + 1 + 1 + 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, इस तरह से आ जाएगा आंसर, इसी तरह से आएगा। इसी तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको देने वाला हूं और जिसका आंसर आप कमेंट करेंगे, वो क्वेश्चन आपका जैसे हमारे पास है x एक नंबर और x बराबर आपका a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 4, एक नंबर है अनदर नंबर y और y है आपका a क्यूब एंड बी रेज पावर 7। आपको इन दोनों नंबर का x और y का एलसीएम एंड एचसीएफ कमेंट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको कमेंट भी करेंगे इसका आंसर। ये हमारा जो चीज़ थी वो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 1.2 सिलेबस में उसके बारे में थी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 3 मार्क्स का जिससे क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब भी आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वो है आपका एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से बनता है। जैसे इसके अंदर टोटल ये मान के चलिए आपको 2 ही क्वेश्चन करने हुए, एक तो आपको अगर कोई भी नंबर है रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना आना चाहिए। या तो इरेशनल नंबर है पता भी है, ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अगर आपका कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है जैसे इस तरह से देगा आपको 2 + 3√5 प्रूव डेट इट इज़ अ इरेशनल नंबर, गिवन डेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे माइनस का साइन हो सकता है, यहाँ पे प्लस का साइन हो सकता है, यहाँ पे 3 की जगह पे यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम बनेगा। इन क्वेश्चन को जो हम प्रूव करते हैं उनको हमारा जो मेथड होता है वो होता है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन,
मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मैं आपको जो बोर्ड लिया से इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो आपको मैं करवा रहा हूँ, जिससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबली आपका पूछा जा सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं √2, √3, √5 इनको भी कैसे रेशनल नंबर प्रूव करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें 2+3√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है और गिवन है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो कैसे प्रूव करेंगे? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा कैसा भी जिसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, उनके अंदर लैंग्वेज सेम रहती है, लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 2+3√5 इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? 2+3√5 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं, इसको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। अब छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको साथ साथ में पता होनी चाहिए, लेकिन बताया लैंग्वेज सब में सेम रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक बार ही देखना है, एक बार ही याद करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंड 2+3√5 = a/b, वेयर, ये आपका रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। 2+3√5 a/b मान लिया, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे है b≠0 एंड a और b आर कोप्राइम नंबर। हमने ये क्या ले लिया? कोप्राइम नंबर क्या होते हैं आपका? कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है आपका? कोप्राइम नंबर कहा जाता है। तो देखिएगा, मैंने बताया आपको बहुत इजी आपका क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2+3√5 = a/b, इनको ट्रांसफॉर्म के द्वारा हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने किसकी? √5 की वैल्यू निकालनी है। जो भी रूट के अंदर यहाँ पे नंबर होगा, गिवन भी होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये नंबर क्या आपका इरेशनल नंबर है, उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो हम 2 को पहले उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3√5 = a/b - 2। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका क्या? 1। तो इस नंबर को क्या लिखा जा सकता है आपका? a-2b / b, ये लिखा जा सकता है। तो हमारे पास 3√5 है, वो किसके इक्वल हुआ? a-2b / b हुआ आपका। अब क्या करेंगे हम? √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। √5 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा? डिवाइड में। सो डेट √5 = a-2b / 3b, ये हुआ आपका √5। अब स्टेटमेंट के अंदर आपका ऑलरेडी लिखा होगा कि √5 का आपका इरेशनल नंबर है। अब सोचिए थोड़ा सा, ए और बी के आपका कोप्राइम नंबर है, ये आपका ए और बी आपका ए बाय बी है आपका, ये रैशनल नंबर था आपका, तो रैशनल नंबर है ए और बी क्या हुए आपका? कोप्राइम इंटीजर हुए। तो अगर आपका ए है उसमें से 2b एक इंटीजर है, उसमें से इंटीजर माइनस करेंगे और उसको एक अनदर इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा आपका? इंटीजर बाय इंटीजर तो हमेशा क्या होता है आपका? एक रैशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे a and b are integer, then a - 2b / 3b is also a rational number। a - 2b / 3b क्या हो जाएगा आपका? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि √5 क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो ये तो इस बात को क्या कर गया आपका? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और मेथड भी यही है हमारे पास, मेथड भी यही है। तो ये हमारे पास जो रोंग एजम्पशन आई है हमारी, ये क्यों आई है? क्योंकि ये इसीलिए आई है क्योंकि √5 है वो क्या है आपका? एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया आपका? जो आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है वो आपका किसके इक्वल आया? रैशनल नंबर के इक्वल आया। और ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है कि रैशनल नंबर हो रैशनल नंबर के इक्वल हो, ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 2+3√5 इज अ नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी जरूर पड़ेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके लिए, क्या आपका 3-2√3, इस नंबर को आपका क्या प्रूव करना है आपको? कि ये नंबर क्या है आपका? 3-2√3 क्या आपका इरेशनल नंबर, गिवन डेट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको इस नंबर क्वेश्चन को करके दिखाना है कि 3-2√3 है वो आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है, गिवन डेट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फर्स्ट जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से रिवाइज करके फिर आपके जो आपके क्वेश्चन हैं बुक से उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। थैंक यू।